टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के भारत के फैसले की G7 देशों के ग्रुप ने आलोचना की थी। अब भारत के बचाव में चीन सामने आया है। चीन ने कहा है कि विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। इंडोनेशिया ने पाम तेल का निर्यात बंद कर भारतीय उपभोक्ता की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे खाद्य तेल महंगा हो गया है। लेकिन अब भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इंडोनेशिया को दबाव में आने पर मजबूर कर दिया है। भारत के इस फैसले से इंडोनेशिया कुछ ही दिनों में पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने पर मजबूर हो सकता है। भारत सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। गेहूं की कीमत यूरोपीय बाजार के खुलने के साथ ही 435 यूरो यानी भारतीय रुपए में 35,228.73 प्रति टन हो गई। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसान इन दिनों प्याज को 1 पैसे में बेचने पर मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई बाजारों में प्याज के दाम इतने नीचे आ गए हैं कि किसानों को कीमत भी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। इस महीने की शुरुआत में पंजाब की भगवत मान सरकार ने घोषणा की थी कि अब MSP पर मूंग की खरीद की जाएगी। उनकी घोषणा के बाद राज्य में मूंग का रकबा पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया है। केंद्र सरकार ने इस साल मूंग का MSP 7,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। बढ़ते तापमान का असर आम आदमी पर नहीं बल्कि फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण टमाटर की पैदावार में गिरावट आई है, जिसका असर अब कीमतों पर दिखने लगा है। टमाटर की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठानी शुरू कर दी है। ओडिशा के दूध उत्पादक किसान अब दूध के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। राज्य में डेयरी किसानों के एक संगठन ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। शुरुआत के सीजन के अंत तक एक कृषि उत्पादों की कीमतों को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन इस साल कपास की कीमत दिन पे दिन बढ़ती गई। फिलहाल गिने चुने किसानों के पास बिक्री के लिए कपास का भंडार है। सीजन खत्म होने के बावजूद कपास की बढ़ती कीमतों से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। CNG की महंगाई से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसकी कीमत में आगे कुछ दिनों में गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि गैस का वितरण करने वाली कंपनियों के लिए इसकी लागत में कमी आई है, इससे इसकी कीमत में कमी की उम्मीद जताई गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होकर 77.69 रुपए के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। घरेलू कच्चे माल के दाम पर मैन्युफैक्चरिंग हब बने चीन जैसे निर्यात आधारित देशों को जरूरत डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी में गिरावट से फायदा हो सकता है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी अब बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।